दोस्तों टेक्निकल सुधीर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सुधीर। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टेड और बहुत बेनिफिट वाला टॉपिक है, तो आज आपसे यही है कि पूरी वीडियो को देखिएगा, सीखिएगा और समझिएगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जियो की लिमिट को कैसे हटाया जाए। और जैसे दोस्तों मैं कुछ दिन जब से मैं अपन रिचार्ज कराया हूँ तो जियो देख रहे हैं हमेशा हमारे लिए बुरी खबर लेते आ रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ कमियाँ कर रहा है। दोस्तों पहली बार तो मैंने रिचार्ज कराया तो उसके बाद जियो ने लिमिट हटा दिया, 2 से 5 बजे तक फ्री नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसी बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने जियो को ओपन करना है। दोस्तों मैंने जियो ऐप ओपन कर लिया है। दोस्तों आप देखेंगे मेरा बैलेंस है 0 KB, फिर भी मैं नेट चला रहा हूँ, मैं जियो का ही चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं जियो 4G LTE। दोस्तों आप फिर देख लीजिए मेरा बैलेंस 0 KB है, मैंने पूरी डाटा ख़त्म कर चुका हूँ फिर भी मैं नेट चला रहा हूँ। तो दोस्तों इसी बारे में बात करने वाले हैं कैसे करना है उसको। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग में डेट और टाइम को ओपन करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम रहेगा, उसको ऑफ कर देना है, ठीक है। उसको ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप मैंने ऑफ कर दिया है। ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जब आप जाएंगे और डेट को एक आगे बढ़ा देना है। वैसे आप देखेंगे आज 28 डेट है तो मैंने 29 किया हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद 29 करने के बाद आप में 0 KB यहाँ दिखाया गया है, लेकिन जो आपके 28 डेट का जो नेट का बैलेंस है वैसे ही रहेगा। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर दिखा देना चाहता हूँ कि 28 डेट का बैलेंस कैसे वैसे रहेगा। तो मान लीजिए मैंने इसको फिर डेट हो गया 28, जैसा आप देख सकते हैं डेट यहाँ पर 28/2017 हो गया। और आज का मैं अगर ओपन करूँ तो दोस्तों इसको माई जियो ऐप यहाँ से ओपन करेंगे, सॉरी फिर से बंद करके इसको ओपन करना है। माय जियो ऐप मैंने ओपन कर दिया। दोस्तों ओपन करने के बाद इसमें आपका आज का जो MB है वैसे ही पड़ा रहेगा, आपको देख सकते हैं जैसे कि आज का जो MB है पड़ा है। उसका दोस्तों आपको करना क्या है, सेटिंग में जाना है, डेट को एक बढ़ा देना, जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ से इसको ऑफ कर देना है और यहाँ से एक डेट को आपको बढ़ा देना है और फिर इसको जियो ऐप को दोबारा से ओपन करना है। मैं जियो ऐप को ओपन किया हूँ तो इसको जियो ऐप को ओपन करना है और इसको जियो देखिए जैसे 0 KB दिखा रहा है। दोस्तों इसके इसी पर 29 डेट को क्लिक करके आपको ओपन कर देना है, आपको नेट चलाते जाना है, आपकी डाटा समाप्त नहीं होगी। थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर मेरे वीडियो का और देखना चाहते हैं तो आप YouTube में जाकर टेक्निकल सुधीर सर्च करें, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे टेक्निकल सुधीर सर्च करें और इसको सर्च कर दें और टेक्निकल सुधीर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं। तो दोस्तों इसको देखना आप न भूलें। थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो।